पहले प्याज ने लोगों के आंसू निकाले, फिर टमाटर भी लाल हुआ। धीरे धीरे सभी मौसमी सब्जियां महंगाई का शिकार होने लगी और पड़ने लगा आम आदमी की जेब पर डाका। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब आटा और दाल इतने महंगे थे कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। पुरानी फिल्मों में दिखाई देता था कि गरीब कैसे प्याज से ही रोटी खा लेता था, लेकिन आज तो हालात ऐसे हैं कि आटा दाल हो या फिर प्याज, सभी ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और सरकार है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। इतनी महंगाई आई कहां से? सरकार से ये पूछा जाता है तो सरकार क्या कहती है, आइए सुनते हैं। मैंने कहा था ना, कहाँ बढ़ रहे हैं आप, बढ़ा रहे हैं जैसे आप आलू के दाम या प्याज के दाम या टमाटर के दाम। मैंने कहा था ना, कहाँ बढ़ रहे हैं आप, बढ़ा रहे हैं जैसे आप आलू के दाम या प्याज के दाम या टमाटर के दाम। तो सुना आपने मुख्यमंत्री साहिबा ने क्या कहा? जी हाँ, महंगाई मीडिया लेकर आई है। तो चलिए मुख्यमंत्री साहिबा को बताते हैं महंगाई का मर्म, आखिर कहां से आई है ये महंगाई। इसमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। प्याज जैसे टमाटर है उसकी फसल भी काफी है, परंतु ये कभी भी दो चार दिन के लिए गड़बड़िए ये पेरिशेबल है, हो जाता है कि स्टॉक इसका होता नहीं है, खेत में से आता है, अचानक कोई डिमांड निकलती है तो रेट बढ़ जाता है, पर अगले दो चार सात दिन में उसकी पूर्ति शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस कंट्री में ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, होर्डिंग की जाती है, होलसेलर और रिटेलर मिलके एक नेक्सस बनाते हैं जिससे जनता को लूटा जाता है और वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब समझ में आया महंगाई के लिए कौन जिम्मेवार है। ये तो थी थोक बाजार की तस्वीर, अब हम आपको दिखाते हैं रिटेल बाजार की सच्चाई। थोक बाजार में ये जो दाम है उसका तो दो गुना दाम है रिटेल बाजारों में। तो सुनिए ऐसा क्यों है। हमारा जो अपना रेट है, दुकान का किराया है, बिजली खर्चा है, जो पीछे से माल गाड़ी में लेके आते हैं उसका किराया भाड़ा है, और जो इसमें माल जो कट्टे में बोरी में आती है ना, इसमें दागे भी निकल जाता है, सारा एवरेज हम लोग को निकालना पड़ता है। रिटेलर जो है इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इन जनरल पता चल गया है कि दाम बढ़ रहे हैं तो रिटेलर्स दे आर ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। वो इस सिचुएशन का और फायदा उठा के जनता को एक्सप्लॉयट करके बढ़े हुए दामों पे बेच रहे हैं, क्योंकि जनता को ये पता ही नहीं चलता कि होलसेल मार्केट पे किस लेवल पे जो है चीज मिली है। पता चल गया कि महंगाई का असली जिम्मेदार कौन है। अब कहिए शीला जी, किसकी वजह से बढ़ी है महंगाई, मीडिया की वजह से या सरकार की कारगुजारियों की वजह से? ये हाल केवल दिल्ली का नहीं पूरे देश का है, और हमारे कृषि मंत्री जी है कि महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं। उनकी चुप्पी पर प्रधानमंत्री जी ने जवाब तलब किया तो सुनिए कृषि मंत्री जी ने इस मुद्दे को सिरे से ही नकार दिया। मैंने अखबार में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं सर, बार बार प्रश्न ये उठता है, जब भी कुछ बात होता है पीएमओ सीधे हस्तक्षेप करता है आपके कार्य क्षेत्र में, ऐसे कभी नहीं। पवार साहब, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आपकी नीतियों से ना तो किसान खुश नजर आ रहा है और ना ही उपभोक्ता। तो पवार साहब बताइए, आपकी नीतियों का फायदा किसे मिल रहा है? क्योंकि आपको अदालत कोई निर्देश नहीं दे सकती, और अगर देती है तो आप उसे ही समझाने बैठ जाते हैं, जैसा कि सड़ रहे गेहूं के मुद्दे पर हुआ था। गेहूं सड़ता रहा लेकिन आपने कुछ नहीं किया, वही हाल अब सब्जी में हो रहा है। तो क्या अब इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा? क्या पीएमओ लगाएगा महंगाई पर लगाम? अगर ऐसा है तो कृषि मंत्री जी आप क्या करेंगे? महंगाई की आड़ में मुनाफाखोरी और जमाखोरी का धंधा जोरों पर है। थोक मार्केट के मुकाबले रिटेल मार्केट में सब्जियां तिगुने और चौगुने दामों पर बेची जा रही हैं। यानी आम आदमी की जेबें ढीली करने का पूरा इंतजाम हो चुका है, और ये सब काम हो रहा है सरकार की नाक के नीचे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ धर्मेंद्र मिश्रा, न्यूज़ पॉइंट, दिल्ली।